वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं बाहर फ़कीरों को खाना खिलाने। तो चलिए आप भी हमारे साथ, देखिए कहाँ कहाँ जाते हैं और कहाँ कहाँ फ़कीर हम मिलते हैं हमें। तो रास्ते में मिलेंगे तो रास्ते में भी हम दे देंगे, और नहीं मिलेंगे तो दरगाह पर जाएँगे। दरगाह पे तो बहुत सारे फ़कीर वहाँ बैठे होते हैं। तो देखिए मैं तैयार हो गई हूँ, ये देखिए मैं। तो जी ये है मेरी बिरयानी जो मैंने बनाया है फ़कीरों को बांटने के लिए, और ये है पैकिंग के लिए बॉक्स, इसी में हम करेंगे पैकिंग। तो इसमें हमें देने में सही रहेगा, इसमें बिल्कुल सील हो जाएगा, गिरेगा नहीं। और आप होटलों से भी कोई भी चीज़ लाते हैं तो इसी बॉक्स में आपको दही बल्ले, भल्ला पापड़ी या कुछ भी पैक करके देते हैं होटल वाले, तो इसमें अच्छा रहता है, गिरता नहीं है। तो चलिए अब करते हैं इसकी पैकिंग। और मैंने बिरयानी को अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये मसाले वाली बिरयानी है, बहुत ही टेस्टी बनी है। और ये देखिए मैं सभी बॉक्स में बिरयानी भर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने सारे बॉक्स में बिरयानी भर लिए, और अब इसे अब हम लोग मिलकर करेंगे सील, ताकि बिरयानी गिरे नहीं। तो ये देखिए पूरा डब्बा तैयार हो गया है, बिरयानी से मैंने भर लिया है। तो चलिए अब करते हैं इसे सील। तो देखिए ये सब मिलके कर रहे हैं, ये बेटी बेटा दोनों मिलकर इस बॉक्स को कर रहे हैं सील, और मैं बना रही हूँ वीडियो। तो फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को ज़रूर 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 से सब्सक्राइब करके जाइएगा। सब्सक्राइब के बराबर में बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना होने पाए। तो देखिए बिरयानी का कलर कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना प्यारा कलर लग रहा है। जितना ये देखने में खूबसूरत है उतना ही खाने में टेस्टी बना है। तो देखिए यहाँ पे हो गई हमारे बॉक्स सील, पूरा पैक हो गया हमारा डब्बा बिरयानी का। और इस तरह से एक थैला में सारे डब्बे रख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग निकल गए हैं तो खाना बांटने के लिए। ये रास्ते का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। चला रहे स्कूटी और हम लोग पीछे बैठे हैं, बीच में बेटा और पीछे मैं। तो देखिए दिल्ली में कितनी हरियाली होती है, ये देखिए जंगल सा है, कितने यहाँ पेड़ पौधे घने घने दिख रहे हैं। तो इतनी हरियाली की वजह से दिल्ली का वातावरण शुद्ध होता है, साफ सुथरा होता है, जबकि यहाँ पे इतनी गाड़ियाँ चलती हैं तब भी यहाँ का वातावरण साफ़ सुथरा होता है। तो देखिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ का रोड देखिए कितना क्लीन है, और हम लोग यहाँ मदरसा के पास पहुँच गए हैं, मतलब दरगाह के एरिया में पहुँच गए हैं। वहाँ पे एक मदरसा है, तो इसी मदरसा में मेरी सिस्टर की शादी हुई थी। तो हम लोग निकले थे शाम में, लेकिन देखिए कितना अंधेरा सा हो गया है।
और ये है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार के गोले गोले से रास्ता गया है, मतलब घूम घूम के जाना पड़ता है मेहरौली सराय। तो यहाँ पे जी हम लोग आ गए हैं मेहरौली शरीफ, और ये है बाहर में शॉप जो चादर सिरनी और फूल ये सब रखते हैं, यहाँ से लोग लेके और फातिहा कराते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं। तो जी अब मैं पकड़ाऊंगी अपने बेटा को मोबाइल और मैं सबको बांटूंगी। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा हिले डुलेगा तो मैनेज कर लीजिएगा, छोटा बच्चा वीडियो बना रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दो फ़कीरों को खाना दे दिया, ये तीसरे हैं। तो यहाँ पे मैंने तीन लोगों को दिया। और बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो देख रहे हैं कितना खाली खाली सा है, सारी दुकानें बंद है, कोई कोई ही खुली हैं। और ये सब देखिए तस्बीह चादर ये सब सभी वो यहाँ से जिसको दरगाह पे चढ़ाना होता है यहाँ से सब चादर लेते हैं सिरनी लेते हैं चढ़ाते हैं। तो देखिए यहाँ से दरगाह स्टार्ट होता है, यहाँ से अंदर जाने का रास्ता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे चेन से रास्ता बंद किया गया है तो झुक के पार करना पड़ता है। तो अंदर बहुत लंबा है, अभी आप चलते जाएं देखते जाएं कितना लंबा रास्ता है, कितना लंबा रास्ता पार करके हम दरगाह तक पहुँचेंगे। तो देखिए यहाँ पे भी लोग बैठे हैं। तो चलिए और आगे चलते हैं, आगे हमें फ़कीर मिलेंगे बैठे हुए तो उन्हीं को बांटेंगे। यहाँ पे तो अच्छे भले लोग थे इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं बांटा। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलते जाइए। तो देखिए मैं आगे आगे चल रही हूँ और पीछे मेरा बेटा वीडियो बना रहा है। तो ये देखिए आगे में कुछ फ़कीर बैठे हैं, तो चलिए मैं इन्हें बांटती हूँ। तो मैं वीडियो बनाने के लिए बोल रही थी बेटा को, तो ये जो अभी दिया मैंने जिन फ़कीर को वो बोल रहे बेटा पीछे से लो पूरा, मम्मी भी आनी चाहिए। लेकिन मेरा बेटा छोटा है ना, उसको मतलब अच्छे से वीडियो शूट नहीं कर पाया, अच्छी तरह से मैं यहाँ पर नहीं आ पा रही हूँ। तो चलिए मैं नहीं आ पा रही हूँ तो क्या हुआ, फ़कीर लोग तो आप कैमरा में आ गए हैं, वो लोग तो दिख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं सभी को बांट रही हूँ। तो बांटने लगे तो सब दौड़कर बहुत सारे लोग आने लगे। तो जी ये लास्ट डब्बा है तो ये मैंने दे दिया सभी को। तो जी अब हो गया हमारा थैला खाली, ये देखिए खाली हो गया। तो अब मैंने इसे मोड़कर हाथ में ले लिया। तो मैंने सोचा कि जब मैं दरगाह के अंदर तक पहुंच गई हूं तो क्यों ना हम दरगाह पे फातिहा पढ़कर ही जाएं, यहां से वापस नहीं लौटें। तो देखिए अब हम लोग जा रहे हैं ऊपर दरगाह पे। तो दरगाह पे जाने के लिए इतनी सीढ़ियां हैं, इसे चढ़ के ही ऊपर पहुंचते हैं। तो मैं पहुंच गई ऊपर। तो चलिए चलते हैं और आगे चलते हैं। देखिए यहाँ का रास्ता, कितने रास्ता पार करके हमें वहाँ तक पहुँचना है, कितना लंबा रास्ता पार करके। तो देखिए मैं हाथ में ली हूँ थैला मोड़ करके। तो यहाँ पे वजू का जगह है, यहाँ पे सभी लोग वजू करते हैं, उसके बाद दरगाह में जाते हैं फातिहा पढ़ते हैं। और आसपास का भी मैं आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। ये अंदर जाने का रास्ता है दरगाह में अंदर जाने का, और ग्रीन कलर का जो गेट है वहाँ से बाहर सभी आते हैं। और यहाँ पे सब वो कव्वाली गाने वालों का सामान रखा हुआ है। तो अब हम आ गए यहाँ वजू करने, तो हम लोग पहले वजू कर लेंगे उसके बाद हम लोग फातिहा पढ़ेंगे। तो जी मैं वजू कर ली हूँ और अब बढ़ रहे हैं दरगाह की तरफ। तो देखिए वहाँ पर दुआ चल रही है, इस बार मैं पहली बार दुआ में शामिल हुई हूँ मेहरौली शरीफ कुतुबुद्दीन शाह बाबा के
मजार शरीफ पे औरतों का अंदर जाना मना है। ये देखिए जाल लगा है, तो औरतें यहीं जाल पे खड़े होकर अपना फातिहा पढ़ती हैं, जो दुआ मांगना होता है वो दुआ मांगती हैं। और इस तरफ भी बहुत सारे मजार शरीफ हैं। तो देखिए दुआ होने के बाद मैं चूम रही हूँ, बोसा ले रही हूँ, और मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं, दुआ में शामिल हुए हैं। तो देखिए दुआ तो हो गई पूरी। और यहाँ पे देखिए दरगाह को चादर से ढका जा रहा है, चादर से ढकना बोलते हैं या नकाब लगाना बोलते हैं, तो इस तरह से दरगाह को ढक दिया।